हेलो स्टूडेंट, दिस इज के एम एस सर एंड वेलकम टू के एम एस सर केमिस्ट्री। देखिए नीट 2024 की काउंसलिंग आज स्टार्ट हो रही है, सबसे पहली बात। और नीट की जो काउंसलिंग है इसमें आपके बहुत सारे डाउट हैं और कमेंट्स के अंदर आप डाउट अपने पूछ रहे हैं, इन सब के जवाब आज आपको मैं यहां पर देने वाला हूं। और ये वीडियो आपके जितने काउंसलिंग के डाउट होंगे सबको क्लियर कर देगी। क्या हम एक बार में कितनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या हम एमसीसी की और आयुष की दोनों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या हम स्टेट और साथ ही साथ में ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। फीस कितनी होगी, जो हमारी यूपी की फीस है ये भी कमेंट है कि यूपी में फीस कितनी होगी, सिक्योरिटी मनी वापस मिलती है वगैरह वगैरह, ए टू जेड जवाब देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान पूर्वक देखते चलिए स्टूडेंट। सबसे पहली बात आपको बता दें कि हमारी जो काउंसलिंग है वो आज स्टार्ट हो रही है, और काउंसलिंग जो है एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है, और एक काउंसलिंग आपको बता दी जाए जो कि अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हो रही, वो आयुष की होती है, AAACC की। आज एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, और आपको पता होगा कि एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो तीन कोर्स के लिए होती है। पहली जो होती है वो आपकी एमबीबीएस के लिए होती है, दूसरी जो काउंसलिंग होती है आपकी वो बीडीएस के लिए होती है, और ये एमसीसी जो होती है ये बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग भी कराती है। यानी कि बीएससी नर्सिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां भी आप कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट। ये जो काउंसलिंग है आपको मालूम होगा एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है वो एक ऑल इंडिया लेवल पर होती है, यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, और दूसरी आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है। फिलहाल जो ऑल इंडिया काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, ऑल इंडिया काउंसलिंग उसी तरीके से, और स्टेट काउंसलिंग एमसीसी के अंदर होते हैं उसी तरीके से आपके आयुष के अंदर होते हैं। फिलहाल आपको बता दिया जाए कि एमसीसी की काउंसलिंग से आप एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, जबकि आयुष की जो काउंसलिंग होती है इससे आप बीएमएस में एडमिशन ले सकते हैं, इसकी काउंसलिंग करा करके इससे आप बीएचएमएस में एडमिशन ले सकते हैं, और इससे आप बीएसएमएस में एडमिशन ले सकते हैं, बीवाईएनएस में एडमिशन ले सकते हैं, और इसके माध्यम से आप बीयूएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरीके से 3, 2, 5 ये को 5 कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी, आगे बात करें, जैसे इसकी जो काउंसलिंग होती है वो दो भाग में होती है, उसी तरीके से आयुष की जो काउंसलिंग होती है वो भी दो चक्र में चलती है, पहला आपका ऑल इंडिया और दूसरा आपका स्टेट। आगे बात करें, अब जब ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग होती है आपकी, ये जो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग है इसके अंदर भी आपके 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड जो है वो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, और इसके बाद अगर सीट बच जाती है तो फोर्थ राउंड भी होता है। फोर्थ राउंड जो होता है उसको आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड या आप उसको मोप अप राउंड के नाम से पुकारते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग अब चल रही है, इसके मान लीजिए 1 महीने के आसपास बाद ये आपकी स्टेट काउंसलिंग भी चल जाएगी। अब फिलहाल आपकी एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है, और इसके 1 महीने के बाद मान लीजिए लगभग आयुष की काउंसलिंग भी शुरू हो जाती है, अगर आपको इन कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको इसकी काउंसलिंग करानी होती है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अब इसके बाद देखिए आपकी जो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग है, आपको ये मालूम है कि इसमें ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग में कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी स्टेट का। आपको मालूम होगा कि जो हमारे पास सीट है दो, उनका बंटवारा 2% पर दो बार होता है, दो प्रकार से होता है, 85% में और 15%। 15% सीट किसी भी कॉलेज की ऐसी होती है जिसमें कोई भी स्टूडेंट पूरे भारत का एडमिशन ले सकता है, जबकि 85% सीट ऐसी होती है जिसमें केवल उस जिस स्टेट में कॉलेज है उसी स्टेट का एडमिशन ले सकता है कोई। ठीक है जी, आगे बात करें, अब ये जो काउंसलिंग चलती है इसमें फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और लास्ट में मॉप अप राउंड होता है। आप पहले राउंड में भी काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकंड राउंड में भी कर सकते हैं, थर्ड राउंड में भी करते हैं, अगर सीट बचती है तो फोर्थ राउंड के लिए भी आप पार्टिसिपेट नहीं, मतलब आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए बच्चों पहले राउंड में ही या तो करा देना है, या दूसरे राउंड में, या फिर आपको थर्ड राउंड में, आप ऐसा नहीं है कि मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा दे। हाँ, इतना उस वक्त होता है कि अगर पहले राउंड में आपको सीटें मिली, दूसरे में सीटें मिली, तीसरे में सीटें मिली, चौथे राउंड जो होता है इसमें बहुत, इसमें अगर नंबर कम होते स्टूडेंट के तो यहाँ पर भी सीट मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जाम्पल है जिनके नंबर कम थे लेकिन उनको फिर भी मोपअप राउंड में एडमिशन मिल जाता है। अगर आपके नंबर कम भी है तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आगे बात करें, जब ये काउंसलिंग तो चलते ही है, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, इसके चलते ही चलते आपकी स्टेट काउंसलिंग भी शुरू हो जाती है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप काउंसलिंग कराते हैं इसकी जो जनरल फीस आपकी वो 1000 रुपये है। फीस में जो चेंज होगा जो होगा आपको बता दिया जाएगा।
और आपकी जो सिक्योरिटी मनी होती है वो आपको मालूम होती है कि सिक्योरिटी मनी जो होती है वो आपकी जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, और सिक्योरिटी मनी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो वो आपकी वापस हो जाती है। ध्यान देने वाली बात ये रिटर्न हो जाती है वो कि आपकी जो फीस है रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये, ये आपको वापस नहीं होती है अगर आपके नंबर मतलब किसी कॉलेज के अंदर नहीं आया है, तो ये आपको कोई फीस वापस नहीं होगी, ये आपकी रह जाएगी। अब बात करें इसी तरीके से जब ये काउंसलिंग चलती ही रहेगी फिर इसके बाद ये हो जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं, अगर आपको मतलब कहने का ये है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको पहले ही राउंड में या दूसरे राउंड में थर्ड राउंड में करना होगा। अगर आपको यहाँ पे भी एडमिशन लेना है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तीसरे राउंड तक आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, और आपको जैसे ही जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आज आपको ये फीस यहाँ पे सबमिट करनी होती है, आपकी मतलब फीस जाती है रजिस्ट्रेशन फीस। आगे बात करें अगर आप जैसे कह लीजिए प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं बच्चों, उसकी जो सिक्योरिटी फीस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो 2 लाख के आसपास होती है जनरली, ठीक है, ये 20-30 हज़ार होती है सिर्फ। और अगर आप बात करें जैसे आप स्टेट में अपने स्टेट में जा रहे हैं, यहाँ पे तो स्टेट की बात कर रहा हूँ, ये तो 10,000 रुपये नॉर्मल, ये 10,000 रुपये है। और नॉर्मल अगर आप बात करें यहाँ पे जैसे आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट के जैसे आप यूपी का एग्जाम्पल ले लो, वहां पे आपको 2,000 रुपये आपके लगते हैं और सिक्योरिटी मनी जो होती है वो लगभग 30,000 के आसपास आपको मिलती है इस तरीके से। लेकिन ये सिक्योरिटी मनी होती है, ये सिक्योरिटी मनी आपकी वापस हो जाती है, और ये वापस होने में मान लीजिए कि करीब करीब मान लीजिए 5 से 6 महीने लगते हैं, जैसे जो भी चल रहा है आपके 5 से 6 महीने बाद ये सिक्योरिटी मनी वापस होती है। अगर आपको कॉलेज कह लीजिए कि कॉलेज जिन बच्चों को अगर मिल नहीं पा रहा मान लो, और तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो चली ही जाएगी, उसका कोई पेमेंट उनको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन ये उनको वापस मिल जाते हैं। अब आगे बात करें स्टूडेंट, आपको काउंसलिंग के अंदर अगर मान लो आपको कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा तो वहां पे एक चांस आपके पास सेमी गवर्नमेंट के भी होते हैं, अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम रह रहे हैं तो आप सेमी गवर्नमेंट में भी एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट और ये आपको बताना है, ये जो आपको क्वेश्चन था कि सर कौन कौन जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप इसमें भी कर सकते हो, अगर आप स्टेट लेवल में कर रहे हो तो आप ऑल इंडिया लेवल पे भी कर सकते हो, ऑल इंडिया लेवल में क्या स्टेट पे भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। मतलब अगर आपके नंबर कम है, पहली बात अगर आपके नंबर कम है तो आप जनरली स्टेट लेवल पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर थोड़े ज्यादा है तो आप ऑल इंडिया लेवल पे कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने अगर किसी ने इसमें कर दिया तो आयुष में नहीं कर सकता, इसमें नहीं कर सकता, आप जहां चाहे वहां काउंसलिंग में इनमें से किसी में भी आप चाहे तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट, अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम रह जाते हैं तो आपके पास मौका होता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करने का। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ नंबर अगर कम होते हैं तो वहां पे आपको मतलब सेमी गवर्नमेंट जो होते हैं ये कम फीस वाले कॉलेज होते हैं, लगभग गवर्नमेंट की तरह ही होते हैं और बहुत कम फीस में सस्ते दामों में आपको ये एडमिशन देते हैं और आपकी फीस भी बहुत कम होती है, आप यहाँ से भी एमबीबीएस कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की आपको लिस्ट चाहिए कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पे है, कितनी फीस है, कितने रैंक होती है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वारी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।